आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आपको नालंदा जिले की उन लड़कियों की कहानी बताते हैं जो मार्शल आर्ट्स सीखकर खुद को मजबूत बना रही हैं। पहले लड़कियां घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती थीं, लेकिन अब अभिभावक खुद अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ खुद की आत्मरक्षा करने के लिए भी सक्षम बना रहा है। बिहार शरीफ के हेल्थ क्लब में दर्जनों बच्चियों को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। प्रशिक्षण ले रहे बच्चों में काफी उत्साह है। वे मार्शल आर्ट्स की विभिन्न तकनीकों को सीखने और खुद को बचाने के लिए तैयार होने के लिए उत्सुक हैं। पहले लड़कियां लोग कहीं घर से बाहर निकलने के लिए हिचकिचाती थी, हर फील्ड में जाने से डरते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गार्जियन खुद अभी आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और स्पोर्ट में चाहे और भी किसी क्षेत्र में लड़कियां लोग पहले से बहुत अच्छा कर रही हैं। और गार्जियन का सबसे पहले तो गार्जियन का सोच पहले से भी बहुत चेंज हो गया है। गार्जियन लोग बच्चों को अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशिक्षण दे रही शीतल खड़गी बताती हैं, पहले लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, अभिभावक भी उन्हें जाने नहीं देते थे, लेकिन अब परिजन खुद बच्चियों को लेकर आते हैं। आज के समय में अभिभावक अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और एक चीज़ जो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आज के टाइम पे जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो गया है हम लोग के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, अपने आप को साबित करना। और बहुत सारी महिलाएं अपने आप को साबित कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी घर में हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज़ आप लोग को कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर से निकलें और अपने आप को साबित करें कि आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको समाज रोकने चाहता है, जो पहले के टाइम पर आपको रोकना चाहता था। अभी भी वो चीज़ थोड़ी थोड़ी है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो आप इस चीज़ को साबित करें कि आप कर सकती हैं वो चीज़, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही संजना वत्स ने कहा कि आज लड़कियों के लिए खुद को साबित करना बहुत जरूरी है। वे हर क्षेत्र में आगे हैं। हमें घर से निकलकर खुद को साबित करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ। और पहले और अब के हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं में बहुत चेंजिंग आया है। पहले क्या होता था कि महिलाएं को पेरेंट्स लोग आगे नहीं जाने देते थे। पहले बेटी होता था तो उनको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो घर में रहेंगे, खाना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ यही होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब पेरेंट्स लोग भी महिलाओं को सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़े, आगे जो भी वो करना चाहे वो करे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दिव्यानी कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मार्शल आर्ट्स से लड़कियां अपना आत्मरक्षा खुद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स खेल रही हैं और देश के लिए मेडल जीत कर ला रही हैं। जूडो कराटा मेरे पापा का सपना है कि हम आगे बहुत दूर तक जाएं। इसमें मेरे सर और मैम दोनों बहुत साथ दे रहे हैं कि हम किसी से लड़ सकते हैं, किसी का सामना कर सकते हैं। अंजलि कुमारी ने कहा कि उन्हें घर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण से उन्हें आत्मरक्षा करने का आत्मविश्वास मिला है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नालंदा की इन लड़कियों की कहानी हमें प्रेरित करती है। ये लड़कियां न सिर्फ खुद को मजबूत बना रही हैं, बल्कि समाज में नारी शक्ति का जश्न भी मना रही हैं। पहले लड़कियां उतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी की अब हैं। अब वो किसी भी लड़के से लड़ भी सकती हैं और ना किसी से डरती हैं। हम 4-5 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं और जैसे कि देखें कि अब हम किसी से नहीं डरते हैं और अब लड़कियां भी उतनी किसी से नहीं डरने लगी, लड़कों से कंधे मिला के चलती हैं। मैं 6 सालों से सीख रही हूँ। क्या फायदा है कि हम लोग दूसरे, अगर दूसरे हमारे प्रति आवाज़ उठाए तो हम लोग उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें।